अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर मैथ्स क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू डू द सम्स ऑफ एडिंग मिक्स नंबर्स. हमने अपनी लास्ट वीडियो में मिक्स नंबर को ऐड करना सीखा था कि हम मिक्स नंबर को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है. अब वो हमने किस मेथड से किया था? एलसीएम मेथड से, ठीक है. इसके हमने टू सम्स कंप्लीट किए थे, ये वाला और एक सम हमारे पास था 3 होल नंबर 1/5 प्लस 2 होल नंबर 1/4 और सेकंड सम जो हमारा था वो था 7 होल नंबर 3/10 प्लस 4 होल नंबर 1/5, ठीक है. ये दो सम्स हमने कल किए थे और मैंने आपसे ये कहा था कि इन सम्स को आप पहले अपने रफ़ रजिस्टर या रफ़ कॉपी जो भी आपके पास है उसमें आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद सेकेंड सम शुरू करिएगा ताकि आपको स्टेप्स याद हो जाए. सम्स मुश्किल नहीं है लेकिन बस इसमें थोड़े से स्टेप्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं. मिक्स नंबर का जब हम एडिशन करते हैं उससे पहले हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं. स्टेप्स को याद करने के लिए, याद रखने के लिए आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करना ज़रूरी है. तो एक सम को एटलीस्ट 5 टाइम्स या 3 टाइम्स ज़रूर प्रैक्टिस करें ताकि आपको वो स्टेप्स अच्छी तरीके से याद हो जाए. और उसके बाद आप फर्स्ट सम को इस तरह से कर लीजिए, सेकंड सम खुद से करने की कोशिश कीजिए. नहीं आए तो फिर आप अपने वीडियोस को बार बार देखें ताकि आपको वो सम आसानी से कर सकें, ठीक है. आज हम इसी पेज का सम नंबर 3 करेंगे. 4 होल नंबर 2/3 प्लस 3 होल नंबर 3/4 प्लस 3 होल नंबर 3/4, ठीक है. जब आप बार बार इन सम्स को रिवाइज़ करेंगे तो आपको ख़ुद ही इसके जो स्टेप्स हैं वो याद आते जाएंगे. सबसे पहले हम क्या करते हैं, होल नंबर्स को ख़त्म करते हैं. होल नंबर्स को ख़त्म करने के लिए पहले डिनोमिनेटर और होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं. 3 4 12, 12 में ये वाला जो 2 है जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ होता है, जो न्यूमरेटर होता है उसको ऐड कर देते हैं. 3 4 12 प्लस 3 4 12 13 14, ठीक है. 14/3 प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 3 12, 12 प्लस 3 13 14 15, ठीक है. 15/4, ठीक है. ये फर्स्ट स्टेप है, होल नंबर ख़त्म करने वाला, डिनोमिनेटर और होल नंबर को मल्टीप्लाई करके उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे. जैसे 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 12 आया, 12 में ये 2 जो लिखा हुआ था ऊपर इसको ऐड कर दिया. 13 14/3 हो गया, होल नंबर इसमें से ख़त्म हो गया. इसी तरह से इसको भी कर लिया. 4 3 12 प्लस 3 13 14 15/4, इसमें से भी होल नंबर ख़त्म हो गया, ठीक है. अब क्या करना था हमें, अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि जो नीचे नंबर लिखे हुए होते हैं उसमें उससे हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है. एलसीएम एक डिवीजन का ही एक मेथड है जिससे दो नंबर्स आपको हम एक साथ डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि जब नंबर्स डिनोमिनेटर में इस तरह से हो कि वो एक साथ किसी एक टेबल में नहीं आए तो हम उसको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे 3 और 4 एक ही टेबल में एक साथ नहीं आते, इसलिए हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम ले लेंगे. 3 4 12, ठीक है. अब क्या करना था, ये जो 12 आया है इसको हमें देखना है कि ये 12 3 के टेबल में कहाँ आता है, कितने टाइम्स आप 3 का टेबल पढ़ते हैं कि 12 आता है. पढ़ें 3 का टेबल, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12. और अब हम उस 4 को क्या करते हैं, 14 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है. यहाँ पे हम अपना रफर बना लेते हैं. फोर्टीन फोर ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, 56 प्लस 4 का टेबल पढ़ेंगे जहाँ तक 12 आ जाए. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 और 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 के साथ.
15 थ्री ज़ा 3 फाइव ज़ा 15 3 वन ज़ा 3 और 1 4 45 इसको यहाँ लिख देंगे 45। अब क्या करना है 56 और 45 को ऐड करना है। 45 हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है पहले से, इसमें 56 को ऐड कर दें। एडिशन में आप नंबर्स को चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। 5 प्लस 6 11, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 10, 101 अपॉन 12। अब इस 101 को हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। अच्छा 12 का टेबल पढ़ेंगे जहाँ तक 101 या उससे छोटा नंबर आ जाए, तो हम 12 को डिफरेंट नंबर से पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे 12 9 सा कर लें, बड़ा नंबर है, पहले डायरेक्ट 9 से करके देख लेते हैं। 9 टू ज़ा 18, 9 ज़ा 9 और 1 10, ये हो गया 108। 108 101 से बड़ा है, इसलिए हम इसको 9 के बजाय 8 से करेंगे। 8 टू ज़ा 16, 8 वन ज़ा 8 प्लस 1 9, 96। 12 8 ज़ा 96 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 9। 11 माइनस 6 5, 9 माइनस 9 0। आंसर क्या आएगा, कैसे लिखेंगे आंसर को, जिससे हमने डिवाइड किया उस वो होल नंबर 8 होल नंबर, जो नीचे नंबर बचता है रिमाइंडर में वो ऊपर जाता है 5, और जो जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो हम नीचे लिखते हैं। 8 होल नंबर 5 अपॉन 12 इज़ द आंसर, ठीक है। कॉपी डाउन नेक्स्ट सम, 2 होल नंबर 3 अपॉन 8 प्लस 3 होल नंबर 1 अपॉन 4। सबसे पहले स्टेप हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम होल नंबर को ख़त्म करते हैं। होल नंबर को ख़त्म करने का तरीका यह है कि डिनोमिनेटर और होल नंबर को मल्टीप्लाई कर दें। 8 टू ज़ा 16 प्लस 3 17 18 19 अपॉन 8, डिनोमिनेटर जैसे है वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस कर देंगे, इसलिए कि हम मिक्स नंबर को ऐड करें। 4 थ्री इज़ अ 12, 12 प्लस 1 13, 13 अपॉन 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8 है और 4 है, ठीक है, इससे जो हमने प्रीवियस पहले सम किया था जिसमें 10 और 5 का एलसीएम लेना था, ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो एक साथ एक ही टेबल में आते हैं, तो हमने उसका क्या किया था, एलसीएम्स मेथड से एलसीएम निकाला था उसका, ठीक है। अब यहाँ पे 8 और 4 ऐसे दो नंबर्स हैं जो एक साथ एक ही टेबल में आते हैं, इसलिए हम इनका भी एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से 8 और 4 को एक साथ लिखे और फिर किससे डिवाइड करेंगे, 4 से कर लें, 4 के टेबल में 8 भी आता है और 4 भी आता है। 4 टू ज़ा 8 और 4 वन ज़ा 4। अब यहाँ पे 2 है और 1 है, 4 के टेबल में 2 तो आता नहीं, लेकिन 2 के टेबल से अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 वन ज़ा 2 और 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। जब एलसीएम में हमारे पास 1 ऑप्टेन हो जाता है, 1 आ जाता है, इसका मतलब है एलसीएम हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे जो दो नंबर्स जिससे हमने डिवाइड किया था उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 टू ज़ा 8, तो इसका एलसीएम क्या आया, 8। ये हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 8, ठीक है। अब 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, जहाँ तक 8 आए, 8 वन ज़ा 8 होता है, ठीक है, और फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 119 ज़ा 19 प्लस 4 का टेबल पढ़ेंगे जहाँ तक 8 आ जाए, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 होता है जो कि 13 से मल्टीप्लाई होगा, 13 टू ज़ा 2 थ्री ज़ा 6, 2 वन ज़ा 2 26, ठीक है। वैसे आपको टेबल याद होना चाहिए, लेकिन अगर आपको 13 का टेबल याद नहीं है तो आप उसको इस तरह से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर चेक करके फिर यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। 19 और 26 को ऐड करना है, ऐड कर लीजिए,
9 प्लस 6 या 6 प्लस 9 15, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 45 अपॉन 8। ठीक है, अब 45 को हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। 8 का टेबल पढ़ेंगे जहाँ तक 45 है उससे छोटा नंबर आए। 8 फाइव ज़ा 40 और 8 सिक्स ज़ा 48, तो 8 फाइव ज़ा हम करेंगे 40 माइनस 5। ठीक है, ये हमारा होल नंबर बन जाएगा, 5 होल नंबर। रिमाइंडर में क्या है हमारे पास, 5 ही है, इसको ऊपर लिख देंगे और जिससे डिवाइड किया 8 इसको नीचे लिख देंगे, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हमने पेज नंबर 79 के 4 सम्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको ये सम्स अपने पहले रफ़ वर्क में या रफ़ रजिस्टर में, रफ़ कॉपी जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। एक सम को 3 times, 4 times, 5 times भी अगर आप प्रैक्टिस करें, करना ज़रूर करें, ताकि आपको स्टेप्स अच्छी तरीके से याद हो जाएं। उसके बाद आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, आप कॉपी में कंप्लीट करें, कॉपी में भी। ठीक है, इस तरह से आप जितनी ज़्यादा इन सम्स की प्रैक्टिस करेंगे आपको ये करना उतना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, इसके जो बाकी सम्स हैं वो पेज नंबर 80 में हैं, जिनको हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।